मैंने लिया है चार टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर आठवां ऐसा छोटे चमचे का बेकिंग पाउडर एक चौथाई कप मैंने लिया है चीनी एक केला लिया है मैंने चार टेबल स्पून चीनी या एक चौथाई कप चीनी एक चौथाई कप कॉर्नफ्लोर या चार टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर आठवां ऐसा छोटे चमचे का बेकिंग पाउडर एक केला पानी हसब ज़रूरत कॉर्नफ्लोर बेकिंग पाउडर चीनी पानी और एक केला ये चाहिए सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर कॉर्न कॉर्नफ्लोर में कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर को मिक्स करें अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा गोल बना लेंगे क्योंकि हमें इसे में बनाना को कोट करना है इसमें तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा गोल बना लें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें वरना गुटलियाँ बन जाएंगी और ऐसे मिक्स करते जाएं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसको मिला लें कॉर्नफ्लोर बेकिंग पाउडर पानी को अच्छे से मिक्स कर लें तो ये मेरा बेटर गोल तैयार है ये देखें इतना गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला मिडिल कंसिस्टेंसी का होना चाहिए इस तरीके का होना चाहिए तो ये हमारा गोल तैयार है अब हम केले को छील लेंगे इसका छिलका उतार लेंगे केले का छिलका उतार लेंगे और केले के टुकड़े काटेंगे आठ टुकड़े करें एक केले के केला बड़ा है तो आठ टुकड़े करेंगे इसके और अब हम केले को कॉर्नफ्लोर वाले गोल में डिप करेंगे तो ये अब केले लें और इस कॉर्नफ्लोर वाले में डिप करें अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चाहे मैदा भी ले सकते हैं कॉर्नफ्लोर के बजाय मैदा इस्तेमाल करें जो फ्लोर अवेलेबल है जो आटा है वही इस्तेमाल करें कॉर्नफ्लोर मैदा आप चाहें तो दो चम्मच कॉर्नफ्लोर दो चम्मच मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था तो अब हम इसमें डाल देंगे ये केले के पीसेस कोट किए हुए जो हमने कॉर्नफ्लोर के बैटर से कोट किए समझें कि केले के हम पकोड़े बना रहे हैं केले के पकोड़े कहें केले की कैंडी कहें जो आपको ठीक लगे तो पहले पकोड़े बनाएंगे फिर उसको मीठा करेंगे तो बन जाएगी कैंडी तो सारे बनाने को आ, को तल लें इस तरह सुनहरी रंग आने तक हम सारे बनाना इसको पका लेंगे पहले एक साइड से पकने दें सुनहरी रंग हो जाए तभी इसको पलटें ये पहले ना पलटें तो इन्हें हम सुनहरी रंग आने तक पका लेंगे दोनों साइडों से सुनहरी रंग आना चाहिए तो केलों को पका लें केलों को पका लें सुनहरी रंग आने तक बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहें ताकि एक साइड से नीचे चिपक ना जाए और जल ना जाए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इन्हें पलटते रहेंगे तो ये पक गए हैं इन्हें अब हम निकाल लेते हैं ये देखें सुनहरी रंग आ गया है केलों के ऊपर तो अब हम दूसरे भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे दूसरों को भी इसी तरह से तेल में तल लेंगे हम तो दूसरे डालें तेल गरम है इसमें हम ये डाल देंगे केले के पीसेस जो हमने कॉर्नफ्लोर में डिप किए हैं ये डाल दें तो ये मैंने केले डाल दिए इसमें तो अब हम इसको फ्राई होने देंगे एक साइड से फिर ही हम इसको पलटेंगे सुनहरी रंग जब आ जाएगा नीचे से तभी हम इसको पलटेंगे तो ऐसे पकने दें ये भी पक गए हैं तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं प्लेटर में सेम प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं ये देखें ये सारे फ्राई हो गए हैं तो अब हम बनाते हैं कैरेमल तो कैरेमल के लिए हमें चाहिए एक चौथाई कप चीनी दो टेबल स्पून पानी तो ये तैयार हैं क्रिस्पी हैं बहुत ही बनाना के पकोड़े और चीनी डाली अब हम इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून पानी मतलब दो टेबल स्पून पानी और चार बड़े चम्मच चीनी के अब चीनी को इसमें घुला लें और जब तक ब्राउन रंग नहीं आ जाता चीनी का तब तक पकाएं मतलब एक से दो मिनट ही लगेंगे चीनी को पकने में तो हमारी कैरेमल तैयार हो जाएगी इसको लगातार चलाते हुए मैंने दो मिनट तक पका लिया था तो ये देखें हमारी कैरेमल तैयार हो गई है ये रही हमारी कैरेमल और ये मैंने पानी में बर्फ़ डाल के रखी है आइस बाथ के लिए हम पहले बनाना के पकोड़ों को कैरेमल में डिप करेंगे कैरेमल गर्म है तो ख्याल से करें तो अब हम इसको बर्फ़ में डिप करेंगे इससे क्या होगा ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी कैरेमल और खाने में बहुत ही मज़ा देगा तो मैंने अब इसमें डाल दिया अब ठंडा पानी है तो इसमें डिप करें और फ़ौरन से निकाल लें तो पहले सबसे पहले हम डाल देंगे कैरेमल में कैरेमल में डाल दें बनाना के पकोड़े और अब हम इसे डाल देंगे ठंडे पानी में तो अब हम इसे निकाल के फ़ौरन से ठंडे पानी में डाल देंगे पहले पक बनाना के पकोड़ों को डालना है कैरेमल में फिर डालना है ठंडे पानी में ठंडे पानी से कोट करना है और फ़ौरन ही निकाल लेना है ताकि ये कैरेमल बनाना पे अच्छे से चिपक जाए और क्रिस्पी बने हमारे बनाना की कैंडी तो ये रहे हमारे मीठे बनाना के पकोड़े मीठी बनाना कैंडी क्रिस्पी बनाना कैंडी देखने के लिए शुक्रिया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब